बलरामी पैसा रख लो 50,000। किस बात के लिए साहब? अरे भाई हमारी जान बचाने का। अरे नहीं नहीं साहब, जान बचाने के लिए कोई पैसा लेता है क्या? जान बचाना तो बड़ा पुण्य का काम होता है, वेरी वेरी ग्रेट काम साहब। अरे वाह, देखिए देखिए तो जीजा जी, कितना कमाल का बात है। यहाँ पर लोग जान बचा के भी पैसा नहीं लेते हैं, और वहाँ शहर में जान से मारने के लिए लाखों करोड़ों पेटी खोका ना जाने क्या क्या ले लेते हैं। ये रुपया हम दे रहे हैं बलराम भाई, अपनी खुशी से दे रहे हैं, रख लो इन्हें काम आएंगे। अरे नहीं साहब, बलराम को अपने हाथों पर बहुत भरोसा है, वेरी वेरी फेथ। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। कुल मिलाकर 350 रुपया होते हैं और ड्राइवर का 100 रुपया बनता है, 450 रुपया साहब। दे दियो। एक दो तीन साढ़े चार सौ। हाँ ये लो। साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो। जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, शराब पीकर इस जीवन को नष्ट मत होने दीजिए साहब। भोला है, बहुत भोला है बेचारा, बिल्कुल पोपट, लेकिन ईमानदार है। अरे इसलिए तो टैक्सी चलाता है, वरना जीजा जी की जगह पे होता। नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब यह है कि लालची नहीं है। देखिए ना, 50,000 को ठोकर मार के चला गया। इसकी जगह कोई दूसरा होता तो कुत्ते की तरह नोटों को हड्डी समझकर छपा डालता। ये कुत्ता नहीं, टाइगर है, टाइगर है, टाइगर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साहब, बलराम गाइड आपकी सेवा में हाजिर है। हाँ वाह बलराम साहब, चलिए मेरे साथ। इस हिल स्टेशन पर आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आपकी बेमजा जिंदगी में बाहर आ जाएगी। आइए बलराम। बलराम। अरे देविका तुम ही? हाँ मैं तुमसे अभी शादी करना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। वेरी वेरी गुड, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? जल्दी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। पापा ने मेरे लिए शहर से एक लड़का देख रखा है, उसी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। नहीं देविका, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा ही होने जा रहा है, मैं घर से भाग कर आई हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, याद रखना। नहीं, अपनी शादी जरूर होगी। एक मिनट सब, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, एक जरूरी काम है। ओके आओ। प्रधान जी, प्रधान जी, तुम्हारी ये हिम्मत, छोड़ इसका हाथ, मैं कहता हूं हाथ छोड़। यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है प्रधान जी, अब हमारी बात सुनिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, वेरी वेरी रेस्पेक्ट। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी शादी किसी और के साथ करके हम दोनों पर जुल्म मत कीजिए, यह हमारी विनती है आपसे। हम चाहते तो कहीं भाग सकते थे, चुपचाप शादी कर सकते थे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, वेरी वेरी बैड। कुछ ही दिनों में मैं इससे ब्याह करके इज्जत के साथ इस घर से ले जाऊंगा, तब तक देविका इस घर में मेरी अमानत की तरह रहेगी। अगर इसका हाथ आपने किसी और के हाथ सौंप दिया तो मैं तो इस दुनिया से जाऊंगा ही, लेकिन जाते जाते बहुत खून खराबा करके जाऊंगा, यही बात बताने के लिए आया था। वेरी वेरी गुड बाय। वेरी वेरी सॉरी साहब, चलिए शाम हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। अरे शाम का ही तो इंतजार कर रहा हूँ बलराम, बैठो यार। जी। अरे बैठो यार, ये लो
ये पैसे रख लो। इतने सारे पैसे? तुम रख लो यार। साहब मेरी फीस सिर्फ 200 रुपए है, ये बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी मच। तुम्हारे पास जो चीज देखी है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। मैं समझा नहीं साहब। अरे भाई, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी तुमसे यहाँ मिलने आई थी। उसको देखकर मेरी तबीयत मचल गई। क्या नशीली जवानी है। बस एक रात के लिए उसे मेरे कमरे में भेज दो बलराम। क्या हुआ किशन, इतना हाँफ क्यों रहा है? बलराम ने खून कर दिया। खून कर दिया? किसका? एक मुंबई से सेठ आए थे उसका। नहीं नहीं, बलराम खून नहीं कर सकता। खून बलराम ने किया है, वो सेठ के पैसे लेकर भाग आया था, वो भी 20,000। और जब सेठ ने शोर मचाया तो बलराम उसके पेट में भाड़ा घुसेड़ दिया, पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। नहीं, बलराम ऐसा नहीं कर सकता। बलराम ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। बेटी, ऐसे लोगों का ना कोई धर्म होता है ना ईमान, इसलिए मैं तुम्हें रोकता था, लेकिन तुम उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अपने बाप को अपना दुश्मन समझने लगी। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी असलियत जल्द सामने आ गई। कोई असलियत सामने नहीं आई, ये झूठ है। बलराम ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। देविका, सेठ से रुपए लूट के भाग रहा था। ये सब झूठ है साहब। तो क्या ये भी झूठ है कि बाद में तुमने उस सेठ का खून कर दिया? मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का खून नहीं। देखते हैं कब तक कबूल नहीं करेगा तू। ए, जब तक कबूल नहीं कर ले इसकी धुलाई करते रहो। मैं अभी आया। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। जीजा जी, बल्लू साहब। आप बलराम, हमने तुम्हारी जमानत दे दी है। साहब, हमने किसी का खून नहीं किया। हम जानता हूं बलराम, अच्छी तरह से जानता हूं। किसी को जिंदगी देने वाला किसी की जिंदगी ले नहीं सकता है। तुम्हें पहचाने में दुनिया भूल कर सकती है, पुलिस भूल कर सकती है, लेकिन बजरंग पांडे भूल नहीं कर सकता है। अरे हम तो आदमी को देखते हैं उसकी नस्ल पहचान लेता हूँ। अरे भैया बलराम, अगर हमको पहले से मालूम होता तो 8 दिन नहीं लगते, 2 मिनट में छुड़वा लेते। नहीं सब, मैं पहले देविका से मिलना चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर, चलिए घर जाके बताते। ये लोग कौन? ये लोग तो शहर चले गए। कब? 5-6 रोज हुए हैं। सुना है उसके मामा ने कोई लड़का देख रखा था उसके लिए, और अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। नहीं, और नहीं तो क्या? तेरा इंतजार करती कि बलराम जेल से आएगा और शादी करेगा। जा भूल जा उसे और हंसी खुशी जिंदगी बिताने दे उसे। टाइगर का आंख में आंसू अच्छा नहीं लगता है।
अगर मुझे मालूम होता देविका चली गई तो आपको जमानत नहीं देने देता साहब, खून के इल्जाम में फांसी चढ़ जाता, जी कर क्या करता, हम इस दुनिया में मेरे लिए रखा ही क्या है। तो आओ हमारे साथ, हम तुमको अपनी नई दुनिया में ले चलता। दला आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, मुझे लगा जैसे उस गरीब टूरिस्ट गाइड के अरमान, उसकी जिंदगी, उसकी मोहब्बत को कैद करके हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। हेलो, कौन? बलू टाइगर बोलते हैं ना, हम ललन झा बोल रहा हूँ, बजरंग पांडे का साला। पूछे? थैंक यू, बहुत बड़ा खुशी का बात है बल्लू कि हमरे जीजा जी जमानत पे छूट के घर आ गए हैं। हाँ, अरे भगवान का बहुत बड़ा कृपा हुआ भैया, वरना वो एसीपी तो पक्का इरादा कर लिए थे कि हमरा जीजा जी की दोनों टांगे और बाया हाथ काट के दाएं हाथ में कटोरा थमा दे, लेकिन वो जानते नहीं है ना कि वो जमाना गया जब जीजा जी भीख मांगा करते थे। क्या बकते हो मामा, पोपट हो गए हो क्या? लो मिर्ची तो खुद खाते हैं और हमको पोपट बोलते हैं। लीजिए, बनवा लीजिए, बात कीजिए। हेलो, वंडरफुल बल्लू, वंडरफुल। अरे भाई क्या काम किए हो? अरे भाई इसलिए तो हमने तुम्हारा नाम टाइगर रखा है, अगर हमारे सामने होते ना तो हम तुम्हारा मुंह चूम लेते। लो, सुनो बल्लू भाई, तुमने तो अपना काम बरोबर किया था, मगर उस साला एसीपी की जान जो है ना बड़ी जिद्दी और बेशरम जान है, आसानी से एसीपी की बाड़ी छोड़ती नहीं है। अगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, छोड़ देगी, बहुत जल्द छोड़ देगी बाड़ी। सुनो बल्लू, अस्पताल में जो डॉक्टर एसीपी की दवा दारू कर रहा है ना, उसके परिवार को पकड़ के हमने अपने गोदाम में बंद कर रखा है। अब वो ही करेगा जो हम चाहेंगे। जो काम तुम्हारी गोली का जहर नहीं कर सका ना, डॉक्टर का जहर का इंजेक्शन करेगा। तुम्हारे बीवी बच्चों को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया ना तो पूरे हॉस्पिटल को मैं आग लगा दूंगा। घर जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। Thank you.
ले जा इसे, ले जा। आज नहीं पियोगे? कभी नहीं पीऊंगा। क्यों? पहले गम भुलाने के लिए पीता था, लेकिन आज जो खुशी मिली है उसे पीकर भुलाना नहीं चाहता। मधु, इन हाथों ने बहुत सारे खून किए हैं और हर खून के बदले मुझे ढेरों नोट मिले हैं, लेकिन इतनी खुशी नहीं मिली जितनी किसी को नई जिंदगी देने में मिलती है। ऐसा पब्लिक नहीं बोलती, बल्लू बोलता है। बल्लू, तुम कितने अजीब इंसान हो। तुम्हें समझने के लिए दिल चाहिए, एहसास चाहिए, और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें समझा। और अचानक ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूं। अरे बल्लू, तूने ऐसा काहे किया रे? हमरे इशारे पर तूने एसी पे गोली तो चला दी, पर उनको बचाने के लिए अस्पताल काहे चला गया? अरे डॉक्टर की पत्नी और उसके बच्चे को छुड़वाकर कर दिया उनको डॉक्टर के हवाले, और उस ससुर ने जान बचा ली उसकी। बोल, काहे किया तूने ऐसा? पैसा, पैसा कम था है? अरे तू नहीं जानता है तोरी हरकत से हमरे दिल को कितना धक्का लगा है, कितना दुख हुआ है हमरे मन को। हम जानना चाहते हैं कि तोरी हरकत की वजह क्या थी। बोल। एक को बचाया, वजह मत पूछिए। अरे बन, क्यों बचाया? क्यों बचाया उसे? ये बीवी तेरे साथ सो गई थी क्या? नहीं बल्लू, नहीं बल्लू, नहीं। तुम्हारे पिता ने हमको सहारा दिया, इसलिए छोड़ देता हूं, वरना कब का बेसहारा कर देता। पहली बार ऐसा हुआ है, कहीं तो टूटा है ये, कोई ना कोई बचा जरूर होगी।